नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइफ हिंदी पर। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं जो कि ग्लोकल हैं। उनकी कहानी लोकल होती है लेकिन उनका असर जो होता है वो ग्लोबल होता है। और साल 2018 की पहली ग्लोकल फिल्म आ रही है मुक्काबाज, जिसके स्टार मेरे साथ है। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइफ हिंदी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोग जो आपको जानते थे उनका अचानक से इस फिल्म के ट्रेलर के साथ ही परसेप्शन बदल गया है। उसके पीछे की मेहनत तो अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रही है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है कि ठीक है, अब लोग जो है मुझे एक सम्मानजनक स्थिति में देख रहे, जो कि पहले भी देखते थे लेकिन अब एक कलाकार के तौर पर ज़्यादा इज्जत हो रही है, तो वो किस तरह से? बहुत बढ़िया चीज़ आपने पूछी। यही एक्चुअली बात थी जिसकी वजह से मैं मुंबई आया। ये काम एज एन एक्टर, ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, इसमें मुझे एक सुकून मिलता है। और मुक्काबाज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अलग अलग तरह के किरदार मुझे करने का मौका मिलेगा और फिर मैं खुद को उसी तरह से झोंकूंगा, फिर उसी तरह से मैं खुद को तैयार करूँगा। क्योंकि यही तो वो चीज़ थी जिसकी वजह से, नहीं तो मैं डॉक्टर था, डॉक्टर ठीक था जी, सर्वाइवल के लिए मुंबई कभी नहीं आया था जी। सिर्फ सर्वाइव करना होता तो हाँ, बिल्कुल काफ़ी अच्छा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, हर तो नहीं लेकिन बहुत सारे माँ बाप बनाना चाहते हैं। फिर भी एक जो बेचैनी थी वो यही सवाल है जिसकी वजह से बेचैनी थी, अच्छा काम करना चाहता हूँ। अनुराग सर के साथ जो है सफ़र आपका अच्छा खासा है, लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं आप, उनकी वजह से एक फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अलग सा रेवोल्यूशन आया है। एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना एक कलाकार के लिए कितना अच्छा रहता है और कितनी इसमें आपकी एक्टिंग से लेके हर तरह की तरह से ग्रोथ होती है, उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं। अनुराग सर के साथ हर फिल्म में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता अनुराग सर से, मैं सिर्फ सुनता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बोल के मैं कुछ खो दूँगा, तो मैं चुपचाप सुनता हूँ और वो जो कुछ बोलते हैं ना उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। जैसे उन्होंने एक वर्कशॉप ले रहे थे और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स आए थे उस वर्कशॉप के लिए, मुझे ऑफिस में जाना था लेकिन जगह नहीं थी तो मैं रुक गया और मैंने वहाँ सुना अनुराग सर ने, और काफ़ी पहले की बात है, उन्होंने ये बोला कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी अप एंड डाउन्स हैं आपकी लाइफ में, आप लो हो, बहुत खुश हो, फुर्सत के साथ ज़िंदगी जा रही है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ रुक गया, परेशान हो, सब कुछ ख़त्म हो गया, एक चीज़ मत छोड़, काम कर। तो वो चीज़ मैंने ले ली और ऐसे वो बोलते हैं बातें और आप सीख सकते हैं।